राम की नगरी तैयार, अयोध्या पार्ट टू में किसका बेरा पार। योगी के सामने अखिलेश के अवधेश, क्या मिटेगा हार का क्लेश। योगी ने बैठक कर लंका लगाई। यूपी में अयोध्या पार्ट टू होने वाला है, इसका किरदार भी अवधेश प्रसाद है। वही अवधेश प्रसाद जो लोकसभा में जीते तो देश ही नहीं दुनिया में हेडलाइन बन गई, क्योंकि राम को लाने का दावा करने वाली बीजेपी अयोध्या से हारी, वो भी राम लहर जिसके सहारे पूरे देश में बीजेपी चुनावों में थी। लेकिन अयोध्या में ही ऐसा झटका लगा कि बीजेपी भूल नहीं पा रही है। अब बताते हैं कि अयोध्या पार्ट टू के किरदार कैसे अवधेश हैं। दरअसल अवधेश अयोध्या में, जो पहले फैजाबाद था, हालांकि संसदीय सीट के रूप में अभी भी फैजाबाद ही है, उसके सांसद बन गए। इसलिए जिस मिल्कीपुर से वो विधायक थे वो सीट खाली हो गई, क्योंकि सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। अब अवधेश की सीट मिल्कीपुर पर चुनाव होना है, उपचुनाव होगा, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से लेना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं की पूरी फौज मिल्कीपुर में उतार दी है। सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में 4 मंत्रियों को लगा दिया है। यही नहीं, योगी ने खुद मिल्कीपुर की कमान संभाल रखी है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में योगी 2 बार अयोध्या के दौरे पर गए, 1 बार 2 दिन अयोध्या में ही रहे, पूरी तहकीकात की, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है इसके बारे में पंचायत तक के बीजेपी कार्यकर्ता से पूछा और सीट को जीतने के लिए पूरी पटकथा लिखी। पहले बैठक की, फिर योगी मिल्कीपुर ही पहुंच गए, जहां उन्होंने मंदिर में राम दरबार का उद्घाटन किया और अपना हिंदुत्व कार्ड भी खेल दिया। कह दिया, हिंदुओं पर हमला होता है तो कोई नहीं बोलता, यानी योगी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। बारी अखिलेश यादव की थी तो उन्होंने मिल्कीपुर के उसी व्यक्ति को चुना जिसके जीतने से बीजेपी को मिर्ची लगी थी, या यूं कहे कि बीजेपी के लिए अवधेश की जीत किसी बुरे सपने से कम नहीं। अब वही अवधेश मिल्कीपुर में योगी के चुनावी चक्रव्यूह की काट निकालेंगे, इसका ऑफिशियल ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। ऐलान होते ही अवधेश प्रसाद भी एक्शन में आ गए। उन्होंने पीडीए को मजबूत बताया और कहा कि अखिलेश का पीडीए ही मिल्कीपुर से जीतेगा, किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मिल्कीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी खोज रही है, जबकि अखिलेश ने अवधेश के बेटे पर दांव लगाने का मन बना लिया है, यानी इस चुनाव में अवधेश की जगह उनके बेटे होंगे, जबकि बीजेपी का कौन चेहरा होगा अभी इस पर मंथन चल रहा है। मिल्कीपुर बीजेपी के लिए वैसे भी आसान नहीं रहा है। 2 बार यहां से बीजेपी जीती है, पहली बार 1991 में जब राम लहर थी और दूसरी बार जब मोदी लहर चल रही थी, यानी 2017 में। इसके अलावा बीजेपी कभी मिल्कीपुर में नहीं जीत पाई। अब तो नाक की लड़ाई है, योगी की रणनीति काम आती है या अखिलेश के अवधेश फिर से कमाल दिखाते हैं, ये जब मिल्कीपुर का चुनाव होगा तब सामने आएगा। लेकिन मिल्कीपुर में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 60,000 हैं, यही जिनके साथ रहेंगे वो जीत का स्वाद चखेगा। मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी 35,000 है, वहीं राजपूत 25,000 है, इनका वोट भी कुछ मायने रखेगा, लेकिन किंग मेकर यादव और पासी ही होंगे। विशेष बात यह है कि पासी समुदाय से ही अवधेश प्रसाद है।